इसलिए ज्ञानियों हम आपके बर्तनों में आहार नहीं लेते, बर्तनों में आहार नहीं लेते। पानी पात्र दिगंबरा, पानी पात्र दिगंबरा। मित्र मित्र भरत एक विद्वान हुए, वैदिक विद्वान, वो भी कह रहे परमात्मा से, प्रभु वो दिन कब आएगा, कदा शंभु भविष्यामि पाणी पात दिगंबरा, हे शंभु वो दिन कब आएगा जब मैं पाणी पात में आहार करना दिगंबर बनूं। ये वैराग्य शतक में भरतहरि ने लिखा हुआ है, पाणी पात दिगंबरा। अस्ति नास्ति बैठो सोने जी, अभिनंदन आपको बाद में बिठाएंगे, वो सामने जिसको खड़ा उसको तो देखो। काश ऐसे विशाल मुरराज बन के ध्यान करें। हो यानी पृष्ठ भाग, उदर भाग दोनों में अस्थि नास्ति नहीं खोजोगे ना, अनर्थ हो जाएगा। पेट में फोड़ा होगा तो पेट में दवाई मत लगा देना, और पेट में फोड़ा होगा तो पेट की दवाई से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग स्थान पर औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पेट में पेट की नास्ति, और पेट में पेट की नास्ति, पेट में पेट की अस्थि, और पेट में पेट पीठ में पीठ की अस्थि, और मेरे मित्र पुरुष को देखेंगे तो दोनों की एक में अस्थि, दोनों की एक में अस्थि, दोनों के दोनों में एक में ही नास्ति। इसलिए अस्ति नास्ति जो भंग है वो परद्रव्य अपेक्षा नहीं है, शुद्रव में ही अस्ति नास्ति, और शुद्रव की नास्ति ही परद्रव्य का अभाव कराती है, और शुद्रव की अस्ति ही शुद्रव के अस्तित्व का बोध कराती है। विषय सूक्ष्म है सुनील, मित्र विश्वास रख, इस तत्व का आनंद जिसने ले लिया वो मिश्री में क्या स्वाद होगा, अमृत में क्या स्वाद होगा, मित्र घर गृहस्थ में क्या स्वाद होगा, जो तत्व ज्ञान में स्वाद है। और एक बार जिसने चख लिया, एक बार चख लिया, हार्दिक आया क्या मित्र, हमारे गुरुजी ने कहा पर्युषण पर्व में, मैं उनके पास गया, बोले कल से पर्युषण लग रहे 10 लक्षण, तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, बोली इन्होंने अलग से बोला है, कुछ रहस्य होना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी 10 दिन का एकासन, उन्हें मना ही नहीं किया, कही नहीं कि श्वास देख लेना कि कुछ कर, कुछ नहीं कहा। बोले तथास्तु, 10 दिन का मैंने नियम लिया कि 10 दिन तक मैं मात्र 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करूंगा। उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, हमारे सर्वासागर कहें उपास आज मैं अभी आशीर्वाद दे दूंगा। मालूम उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि 17-16 वर्ष का बच्चा है लगातार 10 दिन एकासन करेगा, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, तुरंत ऐसे बोल दिया। जब अभिनंदन उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो मैंने बड़े मन से रोटी का भोजन का त्याग मान ही नहीं रखता, मैंने आनंद लेना प्रारंभ किया कि एकासन का आनंद क्या होता है। पर्युषण निकल गए, 1 महीना बाद गुरुजी ने पूछा जब शाम का पानी पिया, मैंने कि मेरा तो एकासन चल रहा है। बोले कब से, बोले जब आपसे आशीर्वाद लिया था। मित्र एक बार के भोजन का क्या आनंद, मैंने पर्युषण में 17 वर्ष की उम्र में छोड़ा था, उससे आज तक 2 बार भोजन ही नहीं किया। लेकिन सुब्रत आ गया, ये हार्दिक है ना, सुबह दोपहर में शाम को वो कहीं मौका मिल जाए ना तो बालक बालक भगवान बनना है, भगवान बनना है तो भोजन में अपनी नाश्ते देख बेटा, भोजन में नाश्ते देख,
वो भोजन में नाश्ते नहीं देखोगे, कहीं अस्थि देखते रहे तो तीन काल में कभी जीव कबलाहार शून्य नहीं हो पाएगा। भोजन में नाश्ते देखो, मुस्कुराओ मत कि आज मुझे श्रावक ने कितना सुंदर खिलाया है, मुस्कुराओ इस बात पर मैंने भोजन में अपनी अस्थि के दर्शन नहीं किए, मैंने अपनी आत्मा के अस्थि के दर्शन किए हैं। भोजन में नाश्ती दिखती रही और जब भी उचित अनुसार आपको भोजन नहीं मिला तो यशोधर सागर जी तुम ये नहीं कि नहीं आओगे, गुरु जी बहुत मिर्चें पड़ी थी, आप एक हो गए, मिर्चों की मेरी आत्मा में नाश्ती थी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जो सत्य सो संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य दसों धर्म अस्ति नास्ति में होंगे, और मेरे मित्र अहिंसा सत्य चोरी ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पांचों महाव्रत अस्ति नास्ति में होंगे। अस्ति नास्ति के बिना एक भी महाव्रत का पालन नहीं हो सकता, इसलिए अब आप चाहे कि हम तैयारी करूं, मित्र तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तैयार रहिए, अस्ति नास्ति देखिए क्या करूं। सुमति पांड्या हैदराबाद, इसने अपने बालों में अपनी अस्थि खोज के रखा है, पूरी अस्थि खोज के रखा है, उसको लगता है यदि हट गए ना तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। हो धन्य योगियों को जो मेरे मित्र हाथ से निकाल निकाल के फेंक देते हैं, इसमें मेरी अस्थि नहीं है तो मैं अपनी बुद्धि का नाश क्यों करूं। खोजू अब रारा जी, घड़ी अच्छी लग रही, खोजो रारा जी कैलाश भैया, घड़ी अच्छी लग रही, घड़ी पहने हो, ये क्या पहने भैया, कैलाश भैया अचानक कहीं राजकुमार गंगवाल तुम्हारी घड़ी उठा ले जाए तो कैसा लगेगा। यदि आपने अस्ति नास्ति को समझ लिया है तो बुरा नहीं लगेगा, वो अस्ति नास्ति को नहीं समझा तो मित्र भगवान दिखना बंद हो जाएंगे, घड़ी खोजना प्रारंभ हो जाएगा। श्री राम जब तक जानकी में अस्ति देखते रहे तब तक पत्ते पत्ते से पूछते रहे, मित्र पर्वत पर्वत से पूछते रहे, मेरी सौ सीता कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है। और जब श्री राम को अस्ति नास्ति का बोध हुआ, मेरे मित्र वही सीता का जीव पुनः सामने आके खड़ा हो गया था। मुनि जब राम मुनि राज बन गए तो मित्र रिझाने लग गया, स्वामी चलो अयोध्या महलों में हम सुख भोगेंगे, लेकिन राम ने आंख उठा के नहीं देखा, मित्र अपनी अस्थि को देख रहे थे तो दूसरे की नास्ति में अपना चित्त क्यों ले जाएंगे। बिराजो संजय घर जाएगा क्या, संजय बकेल मित्र घर जाएगा क्या, मालूम सुब्रसाई ज्ञानी प्रतिदिन आता लेकिन छुप के बैठता, बोले गुरुजी देख ना पाए, आज तो दिखेगा या नहीं, संजय घर जाओगे क्या, घर जाओगे संजय, कहीं पत्नी अस्वस्थ हो जाए, तुम्हारे रुचि का भोजन नहीं बन पन पाए, तुम थाली मत फेंकना, धीरे से कहना कोई बात नहीं है, जिस तन को मैं भोजन दे रहा हूं उसी मेरी अस्थि नहीं है तो भोजन मेरी अस्थि कैसी, जीवन जीने के लिए खाना पड़ता है। देवी तू टेंशन मत ले, तू भी भगवान आत्मा मैं भी भगवान आत्मा, अपन दोनों भगवान बन के सिद्धालय में बैठेंगे, राग देश मत करो। बोल दोगे पक्का, पता करूंगा, बैठो संजय बैठो, अभी अस्ति नास्ति प्रारंभ किया आपने, अब तो सबको समझ में आ रहा ना,
मतलब ऐसे घोल के तुमको पी जाना है जिस सप्तभंगी को आप बहुत कठिन कहते थे, आज तुमको बहुत सरल हो जाना चाहिए। अस्ति नास्ति, और जिसमें मेरी अस्ति नहीं है प्रदीप भैया, उसी में राग लिप्त है। मेरी जिसमें अस्ति नहीं है, अविनाश लिख ले ज्ञानी, भेज देना विदिशा, जिसमें अस्ति नहीं है ये पत्रकार लोग उसी में लिप्त हैं, जिसमें अस्ति नहीं है। ये पारस पापड़ी बाल का है, मेरा नाम क्यों छूट गया? तो कहना ज्ञानी, ज्ञानी एक कागज है, शब्द वर्गणों का समुच्चय इसके अंदर है, शब्द प्रमाण है, ये ज्ञान प्रमाण नहीं है। अच्छा एक एक शब्द सुनिए, दो प्रमाण का प्रमाण होता प्रणेश सागर जी, शब्द प्रमाण और ज्ञान प्रमाण। सुना कभी? सुना? महात्मा सारस्वत जी क्या खेल रहे हो? खेलो खेलो, मुड़राज खेले तो मुनि कैसे, जो खेलता वही आनंद में होता है। रोते बच्चे खेलने खेलने लग जाएं तो उनका रोना बंद हो जाता है, वे खिलौनों से खेलते हैं, मुड़ा चेतन भावों से खेलते हैं। खेलो खेलो, श्रुत में केली करो। लेकिन प्रश्न ये है, प्रमाण दो प्रकार का होता है, शब्द प्रमाण बुद्धि प्रमाण। सुना? शब्द प्रमाण नहीं बनाओगे तो आगम प्रमाण नहीं होगा। जिसे तुम पूज रहे हो ना वो शब्द प्रमाण है, जिसे सुन रहे हो ना वो बुद्धि प्रमाण है। ज्ञानियों जिसे तुम पूज रहे हो, ग्रंथों में जो लिखा है वो शब्द प्रमाण है, जो सुन रहे हो वो शब्द प्रमाण है, सुनाने वाले के अंदर जो है वो बुद्धि प्रमाण है। बुद्धि प्रमाण बोलता नहीं है बिना शब्द प्रमाण के। जब तक शब्द प्रमाण नहीं होगा तो बुद्धि प्रमाण लंगड़ा है। इसलिए द्रव्य श्रुत की जो आराधना हो रही है किससे हो रही है? ये शब्द प्रमाण। ये द्रव्य श्रुत क्या है? शब्द प्रमाण। और तुम्हारे अंदर छुप समय है शिखर भैया, वो है बुद्धि प्रमाण। शब्द प्रमाण के पोथंगे लद भी गए और बुद्धि प्रमाण सम्यक नहीं है तो मित्र कल्याण नहीं होगा। शब्द प्रमाण पर को समझाने के लिए होता है, शब्द प्रमाण पर को समझाने के लिए है, स्वयं को समझाने के लिए। देव कुमार पंडित साहब 85 वर्ष की उम्र में मित्र शब्द प्रमाण काम में नहीं आएगा, अब बुद्धि प्रमाण ही काम में आएगा। अब शब्द प्रमाण की कोशिश भी करो ना तो वो तो और हंसी करा देते। बोले क्यों? क्योंकि व्याकरण कहता है शब्दों के उच्चारण स्थान है, दांत भी चाहिए। आप ही ने पढ़वाया हमको व्याकरण, तुम्हारा उपकार है मित्र। तो आप ईमानदारी से बोलो, शब्द बोलने के लिए क्या बिना शब्दों के, बिना दांतों के सारे शब्द बोल सकते हो क्या? इसलिए भैया दंती शब्द बोलने का मौका है तो बोल दे करो मौन है। वो जीव बचपने का आनंद लूट रहा है। पंडित साहब क्या अवभाग्य आपका, बिरले जीव आज के युग में जो वृद्ध अवस्था का सुख भोग पाए। कुछ हुआ? बिरले जीव आज के युग में जो अपने घर में दादा कहनाने का सुख भोग पाए, क्योंकि अब दादा हो ही नहीं पाते हैं, वो यमराज दादा पहले ही ले जाता है। पुण्यात्मा जीव है जो समाज में और देश में वरिष्ठ नागरिक कहला पाए, बुजुर्ग कहला पाए, बिरले जीव हैं। नहीं तो आजकल वृद्ध दशा आ ही नहीं पाती है, इसके पहले यमराज उठा ले जाता है। इस कोरोना किन किन को नहीं ले गया, और जिस वाहन चल रहे ना बड़े संभल के चला करो, वाहन नहीं है यमराज के विमान है, टक्कर मारते। संभल के चलो, संभल के चलो।
आगे पीछे देख के चलो, अच्छे रोड पार करो तो आगे पीछे देखो, बेटा बात करो तो आगे पीछे देखो, बिना आगे पीछे देखे रोड पार करोगे तो जीवन चला जाएगा और बिना आगे पीछे देखे बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। प्रदीप बहुत सारे लोग आगे पीछे देखे बिना बात कर लेते। बिराजो पंडित जी, बिराजो, सभी लोग बैठ जाओ, नहीं तुम लोग कहोगे बोले महाराज जी समय बताएगा, बहुत खड़े किया मेरे लिए, बहुत खड़े किया है। मित्र मैं आपको खड़े नहीं कर रहा हूँ, आगम में लिखा है बैठ के मोक्ष जाने वाले भगवान बहुत कम है, निरंत सागर मात्र कितने, मात्र तीन, आदिनाथ सारस्वत सागर जी, आदिनाथ नेमिनाथ बास पूज्य भूल नहीं जाना, ये पद्मासन से मोक्ष गए बेटा, और शेष तीर्थंकर कारुसर मुद्रा से मोक्ष गए, इसलिए खड़े होना सीख लो, मोक्ष जल्दी हो जाता है। ओह मालूम, बैठा आदमी भागना चाहे तो पहले उठना पड़ेगा, तब तो कोई कुछ कर ही जाएगा, और खड़ा हुआ तो तुरंत भाग जाएगा। ऐसे ज्ञानियों कचौड़ी मल जी एक माला फेर लिया करो खड़े होकर के, ठीक है श्वास ठीक रहे तो भले ओम की फेरो, लेकिन एक माला खड़े होकर फेर लिया करो। आज से पक्के में कम से कम अभ्यास हो जाए कि भगवान बनने के लिए कारुसर करना पड़ेगा। कितने लोग नियम ले रहे हैं ओम की माला, एक माला ओम की खड़े होकर फेरते रहेंगे 24 घंटे में, कहीं भी खड़े हो जाना आप तो, लेकिन उचित स्थान पर। यदि खड़े होकर जाप की ना आपने एक, तो निर्णय करना भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी 12 महीने तक कैसे खड़े रहे, उनका अभ्यास कर रहा हूं। अस्ति नास्ति सुचतुष्टि में वस्तु अस्थि रूप है, परचतुष्टि में नास्ति रूप है, तंपी नत्ति साम परद्रव्य परद्रव्यादि गृहते न परद्रव्य पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल प्रभाव की अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की दृष्टि से वस्तु अस्थि रूप है। मित्र शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की।